मैं दुख हूँ आई एम द पेन हे मानव तूने मुझे अपमानित किया तूने मुझे गालियाँ दी तूने मुझसे बहुत अधिक घृणा की तू मुझे टेढ़ी भावों से देखता है क्योंकि तू सोचता है मैं निर्दयी हूँ और इस दुख को मिटाने के लिए अनेक बड़े बड़े लोगों के पास तो गया है तूने प्रयत्न किया है दुख को मिटाने का कभी कभी संतों महात्माओं और योगियों के पास में भी तो गया है कि आप मेरा उपकार कर दीजिए ज्योतिषियों के पास तूने बहुत चक्कर लगाए हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास में तू पहुंचा तूने उनके साथ में बहुत चाटुकारी की तूने अनेक अनुष्ठान करवाए पूजा करवाई दुख के रूप में मैं तेरा गुरु हूं तो अपने गुरु को मारने के लिए तूने बहुत प्रयत्न किया है हे मानव मैं तेरा शत्रु नहीं हूं बल्कि ईश्वर द्वारा भेजा गया देवदूत हूँ, तुझे शिक्षा देने के लिए तेरे हृदय में दया का भाव बढ़ाने के लिए वैराग्य बढ़ाने के लिए तेरे मन को ईश्वर की ओर लगाने के लिए और नश्वर भौतिक पदार्थों से आसक्ति और मोह को छुड़ाने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए हैं मैं तेरा मार्ग निर्देशक हूँ और मौन शिक्षक हूँ मैं अंदर की आँखें खोलने वाला हूँ जीवात्मा को जगाने वाला हूँ और प्रेरणा देने वाला हूँ मैं दुख हूँ जो इस जगत में सबसे महान है मैं तुझे ईश्वर का स्मरण कराने आया हूँ दिव्य मार्ग ओर ले जाने के लिए आया हुआ हूँ पाप से बचाने के लिए आया हुआ हूँ अच्छी आदतों का अभ्यास कराने के लिए आया हुआ हूं वास्तव में तू मुझे जान नहीं पाया कितनी बार तुझे उन्नत जनों ने प्रेरणा दी लेकिन तूने उनका कहना नहीं माना मैं सुख तो नहीं दे सकता लेकिन मैं मन में जिज्ञासा जगाता हूं मैंने ही अनेक योगियों को अध्यात्म मार्ग की ओर बढ़ा कर करके उन्हें मानव से अति मानव सुपर ह्यूमन अर्थात महात्मा बनाया है मैंने ध्यान करना सिखाया है उन लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया है सेवा करना सिखाया है अरे मानव तू मदिरापान में लगा था लालच और अभिमान तेरा मुख्य गुण था तूने अनेक प्रकार के अनुचित निर्णय लिए कोर्ट में गलत निर्णय दिया तूने अनेक प्रकार की रिश्वत ली अरे मानव तूने लोगों का इलाज ही गलत किया झूठ का सहारा लेकर के रोगियों की पसीने की कमाई को तूने खून की तरह से चूसा और निरपराधी को तूने जेल भी भेजा अरे मानव मैं दुख हूं और मैं तुझे शिक्षा देने और आध्यात्मिक मार्ग में ले जाने के लिए मोहदल से निकालने के लिए दुख के घाव भरने के लिए आया हुआ हूं मेरे गुप्त रहस्य को समझ उत्तम रहस्य को जान सादा जीवन उच्च विचार इसे अपनाओ स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो और एक उचित आहार लिया करो अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया कर उन्नत शास्त्रों का अध्ययन किया कर योगियों के मुख से निर्मल बाणी को सुना कर सबके प्रति दया का दया का भाव रख ईश्वर का नाम स्मरण कर और तब मैं तुझे छोड़ कर करके चले जाऊँगा और फिर किसी प्रकार से मैं तुझे कष्ट नहीं दूंगा मैं